हेलो फ्रेंड्स, हेलो एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हम लोग जियोग्राफी के नए वीडियो से आपकी स्टार्टिंग करेंगे और आज हम शेप ऑफ द अर्थ के बारे में जानेंगे। कैसा शेप है? जियोइड। जियोइड का मतलब क्या होता है? दीर्घवृत्ताकार। दीर्घवृत्ताकार का मतलब ये जो आकृति है उसे दीर्घवृत्ताकार कहते हैं। मीन्स जो ऊपर की तरफ से है, ऊपर और नीचे से, वो थोड़ा दबा हुआ है और किनारे पर वो थोड़ा सा उभरा हुआ है, उसे हम लोग कहते हैं दीर्घवृत्ताकार। तो जो हम लोग का अर्थ का शेप है, जो आकृति है, उसकी कैसी है? जियोइड है। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया है कि अर्थ का शेप कैसा है। जियोइड है। आइए नेक्स्ट पॉइंट पर बढ़ते हैं। इसमें और क्या जानते हैं हम लोग? सोलार इक्लिप्स के बारे में। सोलार इक्लिप्स और लूनर इक्लिप्स, अब ये क्या चीज़ें हैं? सोलार इक्लिप्स का मतलब होता है सूर्य ग्रहण और लूनर इक्लिप्स का मतलब होता है चंद्र ग्रहण। इक्लिप्स का मतलब क्या होता है? ग्रहण। ठीक, और सोलार का मतलब सूर्य, लूनर का मतलब चंद्र। तो सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के बारे में आइए हम लोग जानते हैं। सोलार इक्लिप्स हेडिंग दी गई है, इसके बारे में हम लोग फिगर से, इस डायग्राम से समझते हैं क्या होता है सोलर इक्लिप्स और क्या होता है लूनर इक्लिप्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो हम लोग का सन है, जो हम लोग का मून है, जो हम लोग का अर्थ है, उसके बारे में बताया गया कि इन्हीं तीन लोगों की वजह से सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण होता है। ठीक है, तो सूर्य ग्रहण कब होगा और चंद्र ग्रहण कब होगा, आइए जानते हैं। जो सन है वो तो हमारा एक जगह पर फिक्स है, ठीक है, लेकिन जो ये चंद्रमा है और ये जो पृथ्वी है वो बदलते रहते हैं अपने स्थान को, जिसकी वजह से क्या होता है, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण होता है। तो अब ये किस स्थान पे होंगे कि जिससे क्या होगा, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण होगा, मतलब सोलार इक्लिप्स और लूनर इक्लिप्स होगा। तो आइए जानते हैं कि ये कौन सी कंडीशन है जिसमें सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण होगा। ठीक है, सूर्य तो अपनी जगह पे फिक्स है, लेकिन जो हमारा अर्थ है वो जो है वो जो मून है वो अर्थ और सन के बीच में आ जाता है। जो हमारा चंद्रमा है, जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है, मध्य में आ जाता है, तो उस स्थिति को कहते हैं सूर्य ग्रहण। ठीक है, और इसके अपोजिट जब हमारा पृथ्वी जो है वो कहाँ जाता है, चंद्रमा और सूर्य के मध्य आ जाता है, तो उसको हम लोग कहते हैं चंद्र ग्रहण। ठीक है, तो ये हो गई सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण की बात। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे और दूसरे स्लाइड पे भी चलते हैं। ओके, अब हम लोग जानेंगे कि क्या ये भी कंडीशन हो सकती है कि जो सन है वो हम लोगों के पृथ्वी और, एक मिनट, क्या ये कोई कंडीशन हो सकती है कि जो हम लोगों का पृथ्वी है और जो हम लोग की पृथ्वी है और जो हम लोगों का चंद्रमा है, दोनों के बीच में सन आ सकता है? तो ऐसा कंडीशन हो सकता है या नहीं हो सकता है, ये भी दिमाग में आ रहा होगा, क्योंकि पिछले लेक्चर में, मतलब पिछले स्लाइड में हम लोगों ने क्या देखा कि जो हम लोग का सन है वो तो एक जगह पर फिक्स है, बट जो हम लोग का ये मून है और ये जो हम लोगों का अर्थ है, वो मून और अर्थ अपना प्लेस क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं। तो क्या ऐसी भी कोई कंडीशन हो सकती है कि जो हम लोग का सन है वो बीच में आ जाए और हम लोग का मून और अर्थ जो है वो किनारे साइड में हो जाए? ऐसी कोई कंडीशन हो सकती है या नहीं हो सकती है? तो दोस्तों, ऐसी कोई कंडीशन नहीं हो सकती है जिसकी वजह से सन हमारा बीच में आए। क्यों? क्योंकि जो हम लोगों का सन है वो है स्टेशनरी, मीन्स स्थिर है, वो अपनी जगह पर फिक्स है, लेकिन जो हमारा चंद्रमा है और जो हमारी पृथ्वी है वो क्या करती है, परिक्रमा करती है, वो चक्कर लगाती है, जिसकी वजह से जो ये अपना स्थान क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं, लेकिन जो सूर्य है वो एक जगह पर फिक्स रहता है। आई होप आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा कि ये कंडीशन जो है वो एग्जिस्ट नहीं करेगी, मान्य नहीं होगी। तो आइए पॉइंट्स को पढ़ते हैं। दिस कंडीशन विल नॉट एग्जिस्ट मीन्स यह अस्तित्व में नहीं है, यह जो स्थिति है, ये वाली जो स्थिति है, ये मायने नहीं रखेगी। क्यों? क्योंकि हमारा जो सन है वो क्या है, स्थिर है, स्टेशनरी है। क्या है? स्टेशनरी है, ठीक है, स्थिर है। अब ये ऐसा, तो हम लोगों को ये कंडीशन समझ में आ गई कि ये मान्य नहीं होगी। दूसरे पॉइंट को पढ़ते हैं, क्यों मान्य नहीं होगी? बिकॉज द सन इज स्टेशनरी। स्टेशनरी का मतलब होता है स्थिर, रुका हुआ, फिक्स एक जगह पर है। ठीक है, जीवन में सभी लोग क्या
चाहते हैं, स्थिरता चाहते हैं, तो इसीलिए सन जो है वो स्थिरता को प्रदर्शित करता है। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, बट द पॉसिबिलिटी इज दैट अर्थ एंड मून कैन मूव बट सन इज स्टेशनरी, दैट्स वाई दिस कंडीशन विल नॉट एग्जिस्ट। अब हम लोगों ने पहले पॉइंट और दूसरे पॉइंट में ये समझा कि ये जो है एग्जिस्ट नहीं करेगी और ये स्टेशनरी है, बट नेक्स्ट पॉइंट में क्यों नहीं एग्जिस्ट करेगी, क्योंकि अर्थ और जो मून है वो तो चल सकते हैं, वो तो मूव कर सकते हैं, बट जो हमारा सन है वो क्या है, स्टेशनरी है, जिसकी वजह से ये कंडीशन मान्य नहीं होगी। ठीक है, आई होप आप लोग को इस स्लाइड में कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। अगर आप लोग को कोई कन्फ्यूजन होगा इस स्लाइड से रिलेटेड तो मुझे कमेंट कीजिएगा। ओके, बढ़ते हैं आगे स्लाइड की तरफ। नेक्स्ट स्लाइड में हम क्या जानेंगे, फॉर्मेशन ऑफ स्फीयर। फॉर्मेशन ऑफ स्फीयर, स्फीयर का मतलब क्या होता है, स्फीयर का मतलब होता है मंडल। स्फीयर का मतलब क्या होता है, मंडल, मतलब कि जो हमारे अर्थ पर अलग अलग तरीके के मंडल हैं, वो जो जैसे कि एटमॉस्फेयर हुए, मतलब वायुमंडल, स्थल मंडल, जल मंडल, तो इन सब का फॉर्मेशन कैसे हुआ है और ये सब क्या चीज़ें हैं, इनके बारे में आइए हम लोग जानते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल स्फीयर, फॉर्मेशन ऑफ द स्फीयर में देखिए कैटेगरी मैंने बांटी है, 3 कैटेगरी इसमें बांटी है। ठीक है, तो स्टडी करते हैं कि क्या क्या कैटेगरी हैं, क्या क्या वर्गीकरण मैंने किया है। पहले है लिथोस्फीयर, जिसको कहते हैं स्थल मंडल। दूसरा है एटमॉस्फेयर, जिसको कहते हैं वायुमंडल। और तीसरा है हाइड्रोस्फीयर, जिसको कहते हैं जलमंडल। ठीक है, तो मैंने ऐसे ही रिप्रेजेंटेशन में दिखाया है, बट इसकी 3 कैटेगरी हैं, लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर। और इसकी एक डिफरेंट क्वालिटी है, मतलब इन तीनों के सम्मिलित रूप को, जैसे कि देखिए ये हमारा मान लीजिए लिथोस्फीयर है, ये हमारा एटमॉस्फेयर है और ये हमारा हाइड्रोस्फीयर है, और इसका जो ये इंटरसेक्शन पार्ट है इसको हम लोग कहते हैं बायोस्फीयर। क्या कहते हैं, बायोस्फीयर, मतलब जैव मंडल। मतलब हम लोगों का जैव मंडल किससे बना है, स्थल मंडल, एटमॉस्फेयर मीन्स वायुमंडल, और हाइड्रोस्फीयर मीन्स जल मंडल, इन तीनों के सम्मिलित रूप को हम लोग जैव मंडल कहते हैं। आई होप आप लोग को समझ में आ गया है। इस फिगर से आप लोग समझ सकते हैं लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर को, कि हाइड्रोस्फीयर जो है वो क्या है, जलमंडल है, लिथोस्फीयर क्या है, स्थल मंडल है, और एटमॉस्फेयर क्या है, वो वायुमंडल है। आगे के लेक्चर में हम लोग इसको और भी अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे अलग अलग तरीकों से और डिवाइड करके पार्ट में। जैसे पहला जो हम लोग का एटमॉस्फेयर है उसके बारे में अच्छे से जानेंगे, फिर लिथोस्फीयर के बारे में अच्छे से जानेंगे, और अंत में हम लोग हाइड्रोस्फीयर के बारे में अच्छे से जानेंगे और बायोस्फीयर के बारे में भी जानेंगे। ओके, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। ओके, नेक्स्ट स्लाइड में है लिथोस्फीयर। तो इसी स्लाइड में हम लोग जानते हैं लिथोस्फीयर क्या होता है, सिर्फ इसका छोटा सा व्यू जानते हैं, उसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें अच्छे से हम लोग लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर और हाइड्रोस्फीयर को कवर करेंगे, और बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं जो एटमॉस्फेयर में आप लोग को बहुत ही अच्छी लगने वाली हैं, जैसे कि हमारे आसमान में भी जितनी वैरायटी के जो क्लाउड्स होते हैं उनके बारे में स्टडी करेंगे। एटमॉस्फेयर में बहुत सारी गैसेस पाई जाती हैं, जो क्लाउड्स होते हैं मतलब बादल जो होते हैं वो कितने हाइट पे होते हैं, बारिश क्यों होती है, वेपोराइजेशन कैसे होता है, और फिर जो हम लोग का लिथोस्फीयर पे बहुत सारे जैविक चीज़ें पाई जाती हैं, फॉरेस्ट हैं, अलग अलग तरह के ट्राइब्स हैं, उन लोगों के बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, फिलहाल तो हम लोग जो है इन सब का शॉर्ट व्यू लेते हैं, छोटी छोटी चीज़ों में भाग में डिवाइड करके इसकी स्टडी करते हैं, वर्गीकृत करके इसके बारे में पढ़ते हैं, अध्ययन करते हैं। आइए पढ़ते हैं कि लिथोस्फीयर क्या होता है। लिथोस्फीयर इज़ द पार्ट ऑफ बायोस्फीयर। मैंने आप लोगों को सब लोगों को पहले ही बताया है कि जो ये हम लोगों का लिथोस्फीयर है, ये हम लोगों का एटमॉस्फेयर है, और ये हम लोगों का हाइड्रोस्फेयर। तो जो इसका ये वाला पार्ट होगा, कॉमन पार्ट जो होगा ये वाला, उसको हम लोग क्या कहते हैं, बायोस्फेयर कहते हैं। ठीक है, तो ऐसा हम लोग कह सकते हैं कि जो बायोस्फेयर है उसका पार्ट है कौन, लिथोस्फेयर। तो बायोस्फेयर का पार्ट कौन है, लिथोस्फेयर है, हम लोग ऐसा कह सकते हैं। ओके, आइए पॉइंट जानते हैं।
इट इज 21। अब हम लोगों को दिमाग में ये आ रहा होगा कि ये कितना एरिया कवर करता है, तो इट इज 21% ऑफ इंटायर ऑफ अर्थ सरफेस। जो हम लोग का अर्थ सरफेस है मतलब ये वाला पार्ट, ठीक है, अर्थ का ये वाला पार्ट, उसका 21% ये क्या करता है, कवर करके रखता है, 21% कवर करके रखता है, कौन, लिदोस्फीयर, कौन, लिदोस्फीयर, ठीक है, स्थल मंडल। और थर्ड पॉइंट क्या है, आउटर सरफेस ऑफ अर्थ इज नोन एज क्रस्ट। अब हम आप लोगों को एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताने जा रहे हैं, बहुत ही डिफरेंट है, बहुत ही अलग है, जिसको जान के आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगेगा। तो आइए जानते हैं कि अर्थ के बहुत सारे जो सरफेस हैं, मतलब अर्थ कितने सरफेस में डिवाइड है, कितनी सतहों में डिवाइड है। तो पहली जो सतह है वो अर्थ की, उसको हम लोग कहते हैं क्रस्ट, दूसरी जो है उसको कहते हैं मेंटल, और तीसरी जो है उसको कहते हैं कोर, ठीक है। तो जो ऊपर वाला भाग होता है वो बाहरी परत कहलाता है, जिसको आउटर सरफेस ऑफ अर्थ कहते हैं, जिसको क्रस्ट के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है, क्रस्ट के नाम से जाना जाता है, ठीक। अब एक लेयर को मिटा के नीचे की लेयर के बारे में भी बातें कर लेते हैं, आइए, ठीक है। अब जानते हैं क्या कि जो हम लोगों का ये दूसरा वाला लेयर है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, मेंटल कहते हैं। क्या कहते हैं, मेंटल कहते हैं। जितने भी लावा निकलते हैं, जो वॉल्केनिक इरप्शन होता है, ज्वालामुखी उद्गार होता है, उसमें जितने भी तरह के रेडियो एक्टिव एलिमेंट निकलते हैं वो यहीं से निकलते हैं। कहाँ से, मेंटल से। क्यों, क्योंकि रेडियो एक्टिव एलिमेंट सबसे ज़्यादा तो पाए जाते हैं कोर में, और कोर क्या है, ये जाना जाता है डेंस सॉलिड के नाम से। बट जो हम लोगों का मेंटल है ये लिक्विड फॉर्म में होता है, ठीक है, आगे भी इसके बारे में स्टडी करेंगे, बट अभी सिर्फ थोड़ा थोड़ा सा जानते हैं कि जो हमारा मेंटल होता है वो लिक्विड का बना होता है, ठीक है। क्रस्ट जो होता है वो हम लोगों का सॉलिड में होता है, और मेंटल जो होता है वो लिक्विड फॉर्म में होता है, और कोर जो होता है वो डेंस सॉलिड होता है, मतलब कि ज़्यादा लिक्विड भी नहीं और ज़्यादा सॉलिड भी नहीं, ठीक है। तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा अच्छे से। अब हम लोग ये थर्ड पॉइंट को कंप्लीट कर लेते हैं, ओके। आउटर सरफेस ऑफ द अर्थ इज नोन एज क्रस्ट। अब ये तो समझ में आ गया कि ये जो बाहरी परत है अर्थ की, इसको हम लोग क्या कहते हैं, क्रस्ट कहते हैं। और उसके बाद फोर्थ पॉइंट लिखा है कि लिदोस्फीयर इज फॉर्म्ड बाय अ स्मॉल पार्टिकल्स। अब जितनी भी यूनिवर्स में चीज़ें हैं, यूनिवर्स में जितनी भी चीज़ें हैं वो सब के सब जो है ना, छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बनी हुई हैं, छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बनी हुई हैं। तो इसीलिए ये लिखा गया है कि लिदोस्फीयर इज फॉर्म्ड बाय स्मॉल पार्टिकल्स। आइए कुछ और भी यहाँ नीचे कुछ चीज़ें लिखी गई हैं जिसके ऊपर जो है विचार करते हैं। कोर, कोर क्या है, जो ये हम लोगों का अंदर का ये अर्थ का पार्ट है उसको जानते हैं कोर के नाम से, और ये कोर को हम लोग क्या कहते हैं, डेंस सॉलिड कहते हैं। मैंने आपको डायग्राम में भी बताया है कि जो कोर होता है वो क्या होता है, डेंस सॉलिड होता है, ठीक है। तो डेंस सॉलिड मतलब क्या होता है कि चाशनी के जैसा मान सकते हैं, जो गाढ़ा होता है, ना सॉलिड होता है ना लिक्विड होता है, उसे हम लोग कहते हैं डेंस सॉलिड, ठीक है। बहुत ही चिपचिपा सा जेली जैसा पदार्थ, उसको हम लोग कहते हैं डेंस सॉलिड, ठीक है। और डेंस, और आप लोगों के विचार में ये भी आ रहा होगा कि हमने अर्थ के बारे में इतना कुछ कैसे जाना है, मीन्स ये कैसे पॉसिबल है कि ये पता लगाया जाए कि क्रस्ट जो है सॉलिड है, मेंटल जो है लिक्विड है, और जो हम लोगों का कोर है वो डेंस है। तो इसके बारे में भी आगे हम लोग स्टडी करेंगे, जिससे हम लोगों को पता चल जाएगा कि जो हम लोगों का ये पहला पार्ट है क्रस्ट, वो सॉलिड क्यों है, मेंटल क्यों लिक्विड है, और कोर क्यों डेंस सॉलिड कहा जाता है, ठीक है। इतनी गहराई में तो किसी की भी जाने की हिम्मत नहीं होगी, यहाँ तक कि कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट भी नहीं होगा जिसकी वजह से हम लोगों को ये पता चले। मतलब जेसीबी से अब तो खुदवाएंगे नहीं कि हम लोग पूरी धरती को खोद के और देख लें कि उसमें सॉलिड है कि लिक्विड है कि गैस है क्या है, ये तो ऐसे पता करना इम्पॉसिबल है। तो आगे उसके बारे में स्टडी करेंगे कि हमारा जो अर्थ है वो क्यों हम लोगों को ऐसे पता चला कि वो लिक्विड है कि सॉलिड है और डेंस सॉलिड है, कैसे पता चला, इसके बारे में आगे स्टडी करेंगे बहुत ही अच्छे से। क्योंकि ज्योग्राफी एक ऐसा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है जिसके बारे में हम जितना भी जानेंगे हमारी आसपास की चीज़ें हमें वैसी ही नज़र आएंगी। जैसे कि अगर हम लोग
पिछले लेक्चर में ज्योग्राफी में बहुत सारे स्टार्स के बारे में स्टडी की थी और हम लोग यूनिवर्स के बारे में स्टडी किए थे, सोलार सिस्टम के बारे में स्टडी किए थे। तो जिन लोगों ने भी अच्छे से ज्योग्राफी को स्टडी की होगी या उसको इंटरेस्ट लेके समझा होगा, तो जब भी वो यूनिवर्स के बारे में सोचते होंगे उनके माइंड में कुछ ना कुछ विचित्र तरीके के इमेजेस बनते होंगे और समझ में आता होगा कि हाँ, हमारा यूनिवर्स शायद ऐसा कभी रहा होगा। और जिसमें हमने रेड शिफ्ट की बात की थी और जो हम लोगों का एस्ट्रॉयड बेल्ट और जो दो प्लैनेट्स के बीच में जो एस्ट्रॉयड बेल्ट बनता है, क्यूपर बेल्ट बनता है, ये सब क्यों होता है, प्लूटो क्यों ड्वार्फ प्लैनेट कहा जाता है, इन सब के बारे में स्टडी हम लोगों ने ज्योग्राफी में पहले कर चुकी है। तो जो भी ज्योग्राफी से अच्छे से रिलेट करना चाहते हैं वो उस लेक्चर को ज़रूर अटेंड करें। आई होप कि आप लोग लेक्चर को अटेंड किए होंगे, बट अगर किसी ने नहीं किया है और ज्योग्राफी को अच्छे से समझना चाहता है तो उसको ज़रूरी है कि वो समझे। ज़रूरी नहीं है कि वो इसी लेक्चर से समझे, लेकिन उसको ज्योग्राफी को पढ़ना और समझना चाहिए। तो हम सभी लोगों को मिलकर ज्योग्राफी में इंटरेस्ट लेना चाहिए। ओके, तो हम लोग पॉइंट पे आते हैं। जो हम लोग पॉइंट को कवर कर रहे हैं उसके बारे में जानते हैं। अब जो पॉइंट है वो है इनसाइड ऑफ अर्थ रेडियो एक्टिव एलिमेंट आर प्रेजेंट, मीन्स जो हम लोगों की पृथ्वी के अंदर है। अंदर क्या है? बहुत सारे छोटे छोटे प्यारे प्यारे तत्व, ठीक, जिसे हम लोग कहते हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट। अब ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट कहाँ से मिले हैं इसके बारे में जानना पड़ेगा, है? तो क्यों जानना पड़ेगा? क्योंकि हम लोग ह्यूमन हैं, हम लोग इंसान हैं और हम लोग क्यूरियस पर्सन हैं, बहुत ही जिज्ञासु इंसान हैं। हम लोगों को नई नई चीज़ें जानने के बारे में बहुत ही अच्छा लगता है। तो आइए जानते हैं कि जो हम लोगों का क्रस्ट है वो तो सरफेस है, तो उसको उसकी तो बात ही छोड़ दीजिए, वो तो भूल जाइए, क्योंकि हम लोगों ने बोला है इनसाइड ऑफ द अर्थ, इसका मतलब अर्थ के अंदर, ना कि अर्थ के ऊपर, ठीक है? तो ऊपर की तो बात ही नहीं हो रही है, ठीक है? तो हम भाई उसके बारे में बात ही नहीं करेंगे। अब तो हम बात करेंगे सिर्फ इनसाइड ऑफ अर्थ। ओके, तो इनसाइड ऑफ अर्थ में क्या क्या चीज़ें हैं? तो इनसाइड ऑफ अर्थ में है हमारा मेंटल, ठीक, जिसमें से हमने आपको बताया कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं, मिलते हैं जब भी यहाँ पे बड़े बड़े लावा जो है वो इरप्ट होते हैं यहाँ से, तो उसमें से ढेर सारे रेडियो एक्टिव एलिमेंट निकलते हैं, ठीक है? लेकिन जो कोर होता है वो डेंस सॉलिड होता है, उसमें सॉलिड के भी पार्टिकल्स होते हैं, उसमें लिक्विड के भी पार्टिकल्स होते हैं, तो इसलिए उसमें से ज़्यादा जो है रेडियो एक्टिव एलिमेंट, बोलते हैं ना, कूट कूट के भरा होगा, एकदम जितना नहीं भरना चाहिए उतना भी भरा होगा, तो कोर जो है उसमें ज़्यादा चीज़ें भरी होंगी। अभी हम आपको इस स्लाइड में दिखाते हैं कि जो हम लोगों का ये है, जो हम लोगों का कोर है, इसमें बहुत सारे रेडियो एक्टिव एलिमेंट मिले होते हैं। और देखिए ये जो होता है कॉम्बिनेशन होता है सॉलिड और लिक्विड का। ओके, तो सिर्फ इसको समझाने के लिए मैंने इस स्लाइड को खोला है। फिलहाल हम लोगों को प्रीवियस ही लेक्चर को अटेंड, मतलब प्रीवियस स्लाइड को ही देखना पड़ेगा। ओके, वन मिनट, इसको क्लियर कर देते हैं। ओके, तो इसमें हम लोगों ने क्या देखा था? सॉलिड और लिक्विड, सॉलिड और लिक्विड होता है हमारा कोर, ठीक है? बट कोई नहीं, सॉलिड और लिक्विड है, इसकी भी एक प्रॉब्लम है, बेचारा डेंस सॉलिड बन चुका है, तो उसको गुस्सा आ गया होगा, और गुस्सा आ गया होगा तो उसने कहा होगा कि मेरे पास सबसे ज़्यादा रेडियो एक्टिव एलिमेंट होने ही चाहिए, और बहुत ही ज़्यादा गर्म होता है टेम्परेचर, आप लोगों को पता ही होगा कि कोर बहुत ही ज़्यादा टेम्परेचर वाला होता है, बहुत ही ज़्यादा टेम्परेचर होता है उसका। और जो हम लोगों का मेंटल होता है, वहाँ से जब सोचो वॉल्केनिक इरप्शन होता है, इतना लावा फेंकता है कहाँ से? मेंटल से। जब इतना ज़्यादा लावा जो है मेंटल से निकलता है तो कोर कितना हॉट होगा, कितना हॉट होगा, अनइमेजिनेबल है। ओके, तो वो जो है गुस्से में है बेचारा, छोटा भाई अपने बड़े भाई से इतना गुस्सा है कि भाई तूने मेरा रेडियो एक्टिव एलिमेंट लिया ही क्यों, तो इसीलिए इतना गुस्सा आया उसको, और वो कहा कि अब कुछ भी हो जाए मेरे पास ढेर सारा, भले ही मैं छोटा हूँ लेकिन मेरे पास ढेर सारा रेडियो एक्टिव एलिमेंट होगा, बहुत ही गर्म होऊंगा मैं, अर्थ को एकदम गर्म करके रखूंगा। तो फिर जो सबसे बड़ा भाई है क्रस्ट, वो समझाता है मेंटल को कि कोर पे ज़्यादा गुस्सा मत किया करो, वो हम लोगों से छोटा भाई है। इसीलिए कोर ने क्या किया, कहा ठीक है भैया मैं इतना गुस्सा नहीं करूँगा, मैं अपना आधा रेडियो एक्टिव एलिमेंट कोर को दे देता हूँ। तो उसके बाद कोर के पास ढेर सारे रेडियो एक्टिव एलिमेंट हो गए और वो जो है पार्टी मनाने लगा, तो उस पे से कोई भी वोल्केनिक इरप्शन नहीं होता है, और मेंटल जो है वोल्केनिक इरप्शन करता है क्योंकि वो बेचारा नम्र स्वभाव का था, इसलिए वो गर्म नहीं होना चाहा। ठीक है, ये सब मस्ती की बातें हैं, सिर्फ आपको इंटरेस्ट दिलाने के लिए। आप लोगों को अच्छे से स्टडी करनी चाहिए, ज्योग्राफी के बारे में बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर।
तो इस स्लाइड में तो हम लोगों ने देखा ही है कि जो हम लोगों का कोर होता है वो बना होता है लिक्विड और सॉलिड का, ठीक है, जो लिक्विड और सॉलिड का बना होता है। और फिर उसके बाद हम लोग मेंटल की बात करते हैं, तो ये तो होता है हम लोगों का सिर्फ और सिर्फ लिक्विड का, ठीक है। बहुत सारे इसमें लेयर्स होती हैं, आप देख सकते हैं बहुत सारे लेयर्स इसमें डिवाइड हैं, लेकिन सबसे यूनिक और सबसे अलग जो होता है वो होता है सिर्फ और सिर्फ कौन, हमारा क्रस्ट, हमारा प्यारा सा क्रस्ट जिस पे हम लोग रहते हैं, जो सरफेस है उसको हम लोग कहते हैं क्रस्ट। तो ये क्रस्ट इतना अच्छा होता है, इतना अच्छा इसलिए है क्योंकि ये है बड़ा भाई। क्यों बड़ा भाई है? क्योंकि भाई देखो दो दो भाइयों को संभाल रहा है, मेंटल को भी और कोर को भी, तो इसीलिए क्रस्ट जो है वो बहुत ही सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी लिए हुए हैं। अब बड़े भाई के पास इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने दोनों छोटे भाइयों को संभाल रहे हैं, इसीलिए बहुत ही सॉलिड है ताकि जो है उनके भाइयों के ऊपर कोई भी आँच ना आए, कोई भी जो है तकलीफ उनको ना झेलनी पड़े। इसीलिए क्रस्ट जो है वो सरफेस है और वो हम लोगों का आउटर सरफेस ऑफ द अर्थ के नाम से जाना जाता है। ओके, तो अब हम लोग इसके बारे में तो जान ही चुके हैं, लेकिन जो क्रस्ट होता है ना उसकी बहुत ही अहम भूमिका होती है हमारे पृथ्वी पे। क्या अहम भूमिका होती है? जो ये हमारा क्रस्ट है इस पे बहुत सारे हम लोग देखे होंगे प्लैनेट्स, वो सॉरी फॉरेस्ट देखे होंगे और बहुत सारे ग्रीन लैंड्स देखे हैं, मीन्स हरे भरे पेड़ पौधे, वायुमंडल के सारे चीज़ें उसमें पाई जाती हैं। और फिर उसके बाद जो ये क्रस्ट होता है वो बहुत ही जल्दी कनेक्ट होता है किसी एटमॉस्फेयर से, उसमें बहुत सारी गैसें यहाँ पे आती हैं, जैसे समुद्र भी बहुत सारे हम लोगों को दिखाई देते हैं उसकी परतों पर ही, किस पे, क्रस्ट पे, मेंटल में तो जाएगा नहीं। तो इसीलिए क्रस्ट पे हम लोगों को हर चीज़ें दिखाई देती हैं, लैंड फॉर्मेशन जैसे कि उबड़ खाबड़ ज़मीन भी दिखाई देती है, पहाड़ दिखती हैं, पठार दिखती हैं, प्लेन्स दिखते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम लोग अच्छे से जो भी हम लोग प्राकृतिक दृश्य महसूस करते हैं, देखते हैं, वो सब कहाँ पाई जाती हैं? क्रस्ट के ऊपर पाई जाती हैं, सरफेस ऑफ द आउटर सरफेस ऑफ द अर्थ। ओके, आइए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब हमारा आ गया प्यारा सा बायोस्फीयर। ओके, तो हमारा जो ये है प्यारा सा बायोस्फीयर, ये इतना प्यारा है कि हम कुछ बता ही नहीं सकते हैं। क्यों नहीं बता सकते हैं? क्योंकि हमारा जो ये बायोस्फीयर है ना, वो तीन तीन लोगों को जो है ना वो जोड़ के रखा है, एक एटमॉस्फेयर, दूसरा हाइड्रोस्फीयर और तीसरा जियोस्फीयर, का मतलब होता है लिदोस्फीयर, ठीक है। जियोस्फीयर का मतलब स्थल मंडल, लोगों को जीवित, मतलब जो जीव हैं उनको एक शरण देने का काम करता है जियोस्फीयर, ठीक है। हाइड्रोस्फीयर मतलब वो क्या करता है, जल जीवों को सहारा देने का काम करता है। बहुत सारे जल का जो पार्ट है वो सेलिनिटी होती है, मतलब लवणता होती है उसमें बहुत ही ज़्यादा, जैसे कि समुद्र का जल जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा खारा होता है कुछ ही हद तक, मीन्स वन आई थिंक मैं आप लोगों के लिए और भी लेक्चर लेके आऊँगी, रिवर और लेक्स और बहुत सारे अलग अलग प्रकार के जो झरने हैं उन सब के बारे में, तो उसमें हम लोग स्टडी करेंगे कि हाइड्रोस्फीयर का क्या इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है। बट फिलहाल हम लोग अभी अपने बायोस्फीयर के बारे में जानते हैं, वो भी छोटे छोटे शॉर्ट डिस्कशन के साथ, कि जो हम लोग का हाइड्रोस्फीयर है, मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि वो इन तीनों चीज़ों को क्या है, कंटेंट करके रखा हुआ है, मीन्स एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर और लिदोस्फीयर, इन तीनों को जो जोड़ के रखता है वो बनता है हमारा ये, क्या, हमारा ये वाला पार्ट जो है उसको हम लोग कहते हैं बायोस्फीयर, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को बायोस्फीयर के बारे में पता चल गया होगा। आज के लिए बस इतना ही, आगे पढ़ते रहेंगे हम लोग ज्योग्राफी के बारे में और भी कुछ जानेंगे। जय हिंद।